क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी फिल्म ओपेनहाइमर की रिलीज को एक हफ्ता पूरा हो चुका है। 21 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस बायोपिक को इंडिया में टक्कर देने के लिए रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थिएटर में रिलीज हो चुकी है। सिलियन मर्फी स्टार इस फिल्म को इंडिया में हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में रिलीज किया गया। शुक्रवार को रिलीज हुई रणवीर आलिया की पारिवारिक फिल्म के आने से पहले ओपेनहाइमर की इंडियन बॉक्स ऑफिस की कमाई पर कितना असर पड़ा और वर्ल्ड वाइड फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की, इस वीडियो में हम सब जानेंगे। उसके पहले अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिस्टोफर नोलन की जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोपिक की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी थी, जिसका फायदा इस हॉलीवुड फिल्म को फर्स्ट डे कलेक्शन में ही मिला। पहले ही दिन सिलियन मर्फी की इस फिल्म ने इंग्लिश में 12 करोड़ और हिंदी में 1.75 करोड़ के आसपास शुरुआत की। हालांकि 9 दिन में हिंदी भाषा में फिल्म का सिंगल डे कलेक्शन लाखों में पहुंच चुका है, लेकिन इंग्लिश में इस फिल्म ने अपनी पकड़ अब भी मजबूत नहीं बनाई हुई है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज से ओपेनहाइमर के कलेक्शन पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। 7वें दिन यानी कि गुरुवार को इस फिल्म ने हिंदी भाषा में टोटल 58 लाख के करीब और इंग्लिश में टोटल 4.79 लाख के करीब सिंगल डे का कारोबार किया। ओपेनहाइमर ने इंडिया में अब तक टोटल 73.27 करोड़ का बिजनेस किया है, यानी कि फिल्म ने हिंदी और इंग्लिश भाषा को मिलाकर गुरुवार को सिंगल डे पर इंडिया में लगभग 5 करोड़ के करीब का बिजनेस कर लिया है। इंडिया में तो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का प्रदर्शन शानदार है, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी ये फिल्म एक हफ्ते में 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रही है। ओपेनहाइमर ने एक हफ्ते के साथ ही वर्ल्ड वाइड 2050 करोड़ कमा लिए हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, फिल्म में परमाणु बम का आविष्कार करने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी को दिखाया गया है। यह पहले परमाणु परीक्षक ट्रिनिटी के बारे में है। फिल्म में बम बनने की शुरुआत से लेकर परीक्षण के बाद तक घटनाओं को इस तरह से बांधा गया है कि दर्शक की नजर इससे हटी नहीं पाती है। दूसरे विश्व युद्ध के समय की कहानी को अपने साथ लेकर चलती ये फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी पर प्रकाश डालती है। हालांकि फिल्म की मूल धारा बताती है कि कैसे एक मानव इच्छा उसके ही जीवन का सर्वनाश कर सकती है। ओपेनहाइमर को क्रिस्टोफर नोलन ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। यह फिल्म यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा बनाई गई है।